बिहार में नीतीश सरकार का आज कैबिनेट विस्तार, 31 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सरकार ने मंत्रियों के नाम की लिस्ट राजभवन को सौंपी, सुबह 11:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। विधायकों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी के होंगे। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की तरफ से 16, जेडीयू के 11 और कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम नीतीश से मिले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने भी मंत्रियों की लिस्ट पर की बातचीत। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश कुमार किसे मंत्री बनाए या नहीं बनाए उनका अधिकार। गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वार्थ पर बना गठबंधन कभी राज्य हित के लिए काम नहीं करता। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार के ऐलान पर बोले तेजस्वी यादव, नए रोजगार बनाने का भी करेंगे काम, बिहार के नौजवानों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश तेजस्वी पर तंज, नौकरी को लेकर दोनों में कंपटीशन। बिहार में रोजगार के सवाल पर गिरिराज सिंह का तंज, 30 लाख नौकरियों के वादे का ब्लूप्रिंट जानना चाहती है जनता। कर्नाटक के शिवमोगा में पोस्टर विवाद में एक लड़के की जान मुश्किल में पड़ी, शरारती तत्वों ने दुकान से घर लौट रहे 20 साल के लड़के पर चाकू से हमला किया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मामले में पुलिस ने नदीम और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। हमले का प्रमुख आरोपी जबीउल्लाह समेत कुल 4 गिरफ्तार किए गए, पकड़ने पुलिस पहुंची टीम पर जबीउल्लाह ने किया हमला, घुटनों में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा। कर्नाटक के गृह मंत्री हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे, मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश। इलाके में धारा 144 लगाई गई, अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया। बिल्किस बानो रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 कैदी जेल से बाहर आए, परिवार वालों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत सभी को जेल से छोड़ने का फैसला, 2002 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में सजा काट रहे थे सभी। फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़के, कहा कि ये बीजेपी की आजादी के अमृत का संस्करण है। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, मुख्यमंत्री आज करेंगे कैबिनेट की बैठक। राज्य के नए मंत्रियों के स्वागत में आज चाय पार्टी का होगा आयोजन, सीएम और डिप्टी सीएम चाय पार्टी के बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के नए मंत्री आज पहुंचेंगे मंत्रालय, अपने विभागों का लेंगे आधिकारिक प्रभार। मानसून सत्र के पहले विपक्षी दलों की बैठक, मानसून सत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि, दिल्ली में सदैव अटल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन। अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी दी श्रद्धांजलि, कई बड़े नेताओं के शाम नमन भी किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बडगाम और श्रीनगर में 2 जगहों पर ग्रेनेड फेंके, हमले में 1 पुलिसकर्मी समेत 2 लोग जख्मी। आतंकियों ने बडगाम के गोपालपुरा में ग्रेनेड से हमला किया, करण कुमार सिंह नाम का शख्स जख्मी, श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम पर भी फेंका ग्रेनेड। श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में घायल हुए सिपाही सरफराज ने श्रीनगर में सेना के अस्पताल में दम तोड़ा। घाटी से उमर मुख्तार नाम का शख्स गिरफ्तार, आतंकी मोमिन गुलजार को सेकेंड हैंड स्कूटी मुहैया कराने के मामले में गिरफ्तारी। श्रीनगर पुलिस की अपील, आतंकियों की मदद और उन्हें रसद पानी ना दें, अज्ञात शख्स घायल हालात में दिखे तो फौरन जानकारी देने की अपील। संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला के संपर्क में थे 4 राज्यों में जैश के स्लीपिंग मॉड्यूल्स, धमाके की थी साजिश। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस के हाथ लगे कई सुराग, मामले में आगे की जांच चल। यूपीएसटीएफ ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर लखनऊ के बालगंज इलाके में मारा छापा, चाय की पत्ती में गांजा मिलाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। फैक्ट्री से लाखों का अवैध सामान भी बरामद किया गया, आगे भी छापेमारी कर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में होगी सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2:00 बजे सुनवाई। पूर्व सांसद आनंद मोहन को पटना घुमाने वाले दरोगा सहित 6 पुलिस वाले सस्पेंड। पटना से सहरसा लौटने के दौरान भी आनंद मोहन खगड़िया के सर्किट हाउस गए, रात में वहीं ठहरे, समर्थकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राजस्थान के 12 विधायक पाना चंद मेघवाल ने दिया इस्तीफा, जालौर हादसे से बताया आहत। आगरा में एक महिला की दबंगई का वीडियो आया सामने, LIC आवासीय परिसर में तैनात गार्ड को डंडों से पीटा और गालियां दी। पूरा बवाल स्ट्रीट डॉग्स को लेकर हुआ, कुछ महिलाओं ने गार्ड पर कुत्तों को पीटने का आरोप लगाया। मैनपुरी में सरिया लदा अनियंत्रित ट्रक पर ट्रक घर में घुसा, हादसे में रिटायर्ड SI और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत। मृतकों में ट्रक सवार 2 लोग भी शामिल, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में एक घर की छत गिरने से 2 लोगों की मौत, मुलुंड इलाके में मोती छाया बिल्डिंग में हुआ हादसा। बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था, लोगों को बिल्डिंग खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली धमकी, पुलिस ने धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। विष्णु विदु वॉमिक ने 8 अलग अलग नंबर से धमकी दी, सुबह 10:39 और दोपहर 12 बजे के बीच 9 कॉल किए। बदायूं के मस्जिद में इमाम ने मदरसे के बच्चों के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, इलाके के कुछ दबंगों ने किया विरोध। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, तिरंगा यात्रा को सकुशल निकलवाया गया, मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। बिजनौर में तिरंगा बांटने पर परिवार को मिली जान से मारने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। सिल कलम करने की धमकी भरा पत्र मिलने से दहशत में है परिवार, पूरा परिवार छोटे से कमरे में कैद। पीड़ित परिवार की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, जांच
जांच में जुटी पुलिस। स्वतंत्रता दिवस पर तेलंगाना में टीआरएस बीजेपी आपस में भिड़े, जमकर चली लाठियां और कई घायल। लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाल रहे एक समुदाय के लोग आपस में भिड़े, पुरानी रंजिश को लेकर बढ़ा विवाद। लखनऊ में हुए बवाल में 9 नामजद समेत 14 लोग पर FIR दर्ज, माहौल खराब करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिया रिसेप्शन। आजादी के जश्न में डूबा अटारी वाघा बॉर्डर, बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी का हुआ आयोजन। वाघा बॉर्डर पर दिखी सेना की ताकत, तिरंगा लेकर देशभक्ति के गाने पर झूमे लोग। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को तुच्छ बनाने पर तुली हुई है, इसका विरोध करेगी कांग्रेस। परिवारवाद पर पीएम मोदी के हमले पर प्रियंका का बयान, जश्न आजादी के दिन राजनीति की बात करना सही नहीं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा कि बीजेपी में है परिवारवाद, मोदी के टारगेट पर अमित शाह और राजनाथ। पीएम मोदी के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर झगड़ा कराकर अपने वोटों को साधने में लगे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, अगर पीएम मोदी ने गांधी जी के नाम का जिक्र किया तो उम्मीद है कि वो गांधी के रास्ते पर। तेलंगाना के सीएम KCR का गंभीर आरोप, केंद्र सरकार संघीय ढांचे को ठेस पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जनक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पीएम के परिवारवाद वाले बयान को समर्थन किया, बोले भ्रष्टाचार परिवारवाद अभिशाप है। जम्मू कश्मीर के LG का बयान, शहीदों की याद में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा, स्कूलों और सड़क को शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बयान, कहा भ्रष्टाचार और ड्रग्स मुक्त राज्य बनाना मकसद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तो देश से धीरे धीरे गरीबी मिटाई जा सकती है। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली के सीएम ने देश के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा, 5 साल में देश को विकसित देश बनाने का तरीका बताया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर श्रीनगर में आयोजित हुआ जश्न डल लेक, रंग बिरंगी रोशनी से डल लेक को जगमगाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जश्न में हुए शामिल, रंगारंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जश्न डल लेक में शिकारा पर हुआ डांस, पारंपरिक डांस और गानों के साथ शानदार आयोजन। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने निकाला मार्च, रास्तों में लगाए गए फ्रीडम फाइटर्स के। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने बीजेपी पर हमला किया, कहा कि संविधान और सिस्टम बदलने की कोशिश के खिलाफ हमारा मार्च। ओडिशा के कालाहांडी जिले में भारी बारिश, जूनागढ़ ब्लॉक इलाके में बाढ़ के हालात। हर तरफ दिख रहा है बाढ़ का पानी, लोगों के घरों के अंदर भी घुसा पानी। ओडिशा के जगत सिंहपुर में भी बाढ़ रहा, देवी नदी का जलस्तर, इलाके के लोगों के बीच डर का माहौल। ओडिशा में बाढ़ के हालात पर सरकार की नजर, मुख्य सचिव ने भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक की। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, तो सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात, उमरिया में जहूला डैम के 2 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर में तेज बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कठुआ में भी बाढ़ का दिख रहा है कहर, 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू, आधा दर्जन घर बाढ़ में बहे। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश, कई इलाके पानी में डूबे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रप्रभा नदी का जलस्तर भी बढ़ा। मनाली में पुल पार करते समय हादसा, 2 लोग नाले में गिरे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, 1 लाख केस वापस लेगी असम की सरकार। गुजरात के सीएम का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने जूनियर इंडियन बैडमिंटन ड्रीम ट्रायल के प्रतियोगियों से मुलाकात की, बढ़ाया हौसला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 50 महिला कैब ड्राइवरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार, 170 मांझे के बंडल जब्त किए गए। उत्तराखंड STF के SSP का बयान, उत्तराखंड परीक्षा के पेपर लीक मामले में जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह के यूपी के नकलची माफिया में गहरे संबंध। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से एक घर की दीवार गिरी, 1 परिवार के 5 लोगों की मौत। दिल्ली से गिरफ्तार 4 आतंकियों को पंजाब लाया गया, आतंकी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के गैंगस्टर से जुड़े थे। नागालैंड में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 2 जवान घायल हुए। इंदौर में 6 लाख से ज्यादा बोतल की कैप से पीएम मोदी और भारत का नक्शा बनाया, 150 लोगों की टीम ने किया कमाल। अरुणाचल में ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा की हुई टेस्टिंग, सीएम बोले कि ड्रोन के पायलट परियोजना का संचालन करेगी सरकार। 38 साल बाद सियाचिन में दबा मिला जवान चंद्रशेखर का शव, बर्फीले तूफान की चपेट में आकर शहीद हो गए थे। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का बयान, चंद्रशेखर हबोला की पहचान उनके आर्मी नंबर से हुई है। 15 अगस्त पर जम्मू कश्मीर को तोहफा, गृह मंत्रालय ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को दी मंजूरी। झारखंड में पिछले 3 साल में 1526 नक्सली गिरफ्तार हुए, 51 मारे गए हैं, DGP नीरज सिन्हा का बयान। अलवर में ट्रैक्टर चोर समझकर लोगों ने एक युवक को बुरी तरीके से पीटा, इलाज के दौरान हुई मौत। युवक की मौत से नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया, परिजनों का आरोप ट्रैक्टर मालिक की पिटाई से हुई मौत। दिल्ली के शादरा इलाके में सास बहू की चाकू घोप कर हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर की हत्या। घर से ज्वेलरी और कैश भी गायब, पुलिस के मुताबिक बदमाशों की घर में एंट्री फ्रेंडली थी। उन्नाव के गंगा घाट इलाके में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, लोगों ने पुलिस के जवानों को पीटा। नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 1 अपराधी गिरफ्तार, दूसरा हुआ फरार। देश में कोरोना के करीब 15,000 नए केस, एक्टिव केस 1,17,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 273 नए केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत बायोटेक को मिली बड़ी कामयाबी, भारत की पहली नेजल वैक्सीन का ट्रायल पूरा।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी बना है वैक्सीन। ब्रिटेन ने दी है मॉडर्ना की अपडेटेड वैक्सीन को मंजूरी। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस का विदेशों में भी मना जश्न। न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वायर पर फहराया झंडा। मशहूर बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर गाए ए वतन सॉन्ग। फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, कहा भारत भरोसा कर सकता है, फ्रांस हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। रूसी राष्ट्रपति ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, कहा कि रूस और भारत के संबंध हमेशा अच्छे थे और अच्छे ही रहेंगे। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की कही बात। जापानी दूतावास में भारत का राष्ट्रगान गाया गया, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कलाकारों ने राष्ट्रगान गाया। भारत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेडागास्कर को 15,000 साइकिलें दान की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया परमाणु ब्लैकमेल करने का आरोप, नए प्रतिबंधित लगाने के बाद मांग की। जेलेंस्की ने ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र यूक्रेन को वापस सौंपने की मांग, कहा रूसी सेना की मौजूदगी यूरोप के लिए खतरा। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी जा रही है, 120 दिन में 10,000 जवान तैयार होंगे। यूक्रेन के खार्किव में हड़ताल के दौरान मिसाइल अटैक, एक की मौत, 6 लोग घायल। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, 100 से अधिक विदेशी भाड़े के सैनिकों को मार गिराया गया, 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। आंग सान सू की को म्यांमार की अदालत ने सुनाई सजा, अब 17 सालों तक रहना होगा जेल, जेल की सजा में 6 साल जोड़े। ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिकी सांसदों से मिलने पर भड़का चीन, ताइवान के आसपास और ज्यादा सैन्य अभ्यास की घोषणा की। चीनी मीडिया के हवाले से खबर, पीएलए सैन्य अभ्यास करना जारी रखेगा, ताइवान को लेकर बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं। ईरान ने लेखक सलमान रुश्दी के हमलावर के साथ संबंधों से इनकार किया, विदेश मंत्रालय ने पहली बार जारी किया बयान। एक बार फिर श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, श्रीलंका नौसेना को डेनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, 3 लोगों की जान गई। वेनेजुएला में सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के गोदाम में लगी आग, कोई जनहानि नहीं। वेस्ट वर्जीनिया में बाढ़ से भारी तबाही, 100 से ज्यादा घरों और पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। लोगों के सामने पीने के पानी का संकट, घरों की बिजली गुल। रिकी पॉन्टिंग ने सूर्य कुमार यादव की तुलना एबी डिविलियर्स से की, 4th नंबर पर बल्लेबाजी करने की सलाह भी दी। जिम्बाब्वे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, वॉशिंगटन सुंदर वनडे सीरीज से हुए बाहर। फील्डिंग करते वक्त सुंदर को कंधे में चोट लगी थी, पिछले एक साल में कई बार टीम से हो चुके हैं बाहर। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन से बढ़ा शरद कमल का हौसला, खेल से अलविदा कहने से पहले जीतना चाहते हैं ओलंपिक पदक। शरद कमल ने कहा कि युवाओं से करना है मुकाबला, इसलिए शरीर और दिमाग दोनों को फिट रखना जरूरी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयूज स्ट्रॉयस का बयान, कहा टेस्ट और T20 क्रिकेट साथ साथ चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान यान चैपल का बड़ा फैसला, क्रिकेट कमेंट्री को कहा अलविदा। वेस्ट इंडीज ने आखिरी T20 में न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। ब्रिस्बेन ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की तैयारी, ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने बनाया प्लान। चेन्नई सुपर किंग्स से अलग हो सकते हैं रविंद्र जडेजा, आईपीएल 2022 के बाद से सीएसके मैनेजमेंट और जडेजा संपर्क में नहीं। चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लिश काउंटी में खेली 131 गेंदों में 174 रन की शानदार पारी, जड़े 20 चौके और 5 छक्के। पुजारा की शानदार पारी पर झूमी बेटी, सोशल मीडिया पर शेयर किया 4 साल की बेटी का वीडियो। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने 2021-22 के अवार्ड्स का ऐलान किया, केशव महाराज और अयबोंगा चुने गए हैं बेस्ट खिलाड़ी, गेंदबाज रबादा बने हैं टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से की बात, लक्ष्य ने CWG में जीता था गोल्ड मेडल। सुभाष घई ने भारत के लिए लिखा एक खूबसूरत गीत, रिलीज किया गाना तिरंगा। पीलीभीत में पुलिस कर्मियों ने नागिन डांस कर मनाया आजादी का जश्न, वीडियो वायरल। लखनऊ की हसनगंज कोतवाली में देशभक्ति के गानों पर झूमे पुलिस वाले, आजादी का जश्न मनाया, वीडियो वायरल हुआ। हिंदी और संस्कृत के बाद अब अंग्रेजी में सत्यनारायण भगवान की कथा, दक्षिण भारत के किसी घर में कथा का वीडियो वायरल। चीन में सख्त कोविड नियमों से जनता परेशान, शंघाई में आइकिया स्टोर से क्वारंटीन के डर से भागते दिखे लोग। अमेरिका के लॉस वेगस में भारी बारिश से सड़के नाले में तब्दील, एक व्यक्ति तैरता आया नजर, वीडियो वायरल। रॉजर फेडरर ने लिटिल फैन से 5 साल पहले किया वादा पूरा, किया बच्चे को पलभर में बनाया सेलिब्रिटी, गले लगाकर प्यार भी किया। बागपत में झंडा फहराने के बाद युवक को लगा करंट का झटका, 25 फीट ऊपर से गिरा, वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।